Hi friends. Hi. Welcome back to my channel. This is Anjali and this is Dutch. तो आज हम जा रहे हैं ठोकरवाड़ी डैम और हम हमेशा अपना वीडियो की जो स्टार्टिंग है वो अपनी गाड़ी से करते हैं लेकिन मैंने सोचा है कि आज स्टार्टिंग अपने घर से करते हैं तो वी ऑल आर रेडी टू गो एंड कम एंड जॉइन अस. दिखाती हूँ मैं आपको ठोकरवाड़ी के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा बता पाऊँ आपको कोशिश करूंगी इस वीडियो में. तो चलिए लेट्स गो. वेटिंग फॉर लिफ्ट. चलो कम पेट्रोल भरा रहे हैं हम लोग. पहले हम लोग को मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकलना था बट एक्चुअली आज वीकेंड था, संडे था, तो हम सब थोड़ा सा लेट सो के उठे और अभी दिन के 1 बज रहे हैं और अच्छी खासी धूप हो गई है बाहर. वैसे तो मानसून है तो बारिश है, इस वजह से इतनी गर्मी नहीं है बट धूप है इसलिए थोड़ी गर्मी हो गई है. तो एज पर गूगल मैप 56 किलोमीटर्स दिखा रहा है और हमें पहुँचने में अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे लगने वाले हैं और अभी 12:30 बज रहा है तो इसका मतलब हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे वहां पर. तो अभी हम NH 48 पे हैं और ये मुंबई पुणे हाईवे है और यहां से सीधे जाना है. तो अभी धूप थोड़ी कम हो गई है, क्लाउड्स आ रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो गया है. इसकी बदमाशियां खत्म नहीं हो रही है. दक्षु मत कर ऐसे, देखो क्या कर रहा है ये. नीचे आओ. कितना अच्छा लगता है यार ऐसे मौसम, इतना अच्छा सा रहे ना और घूमते रहो बस. वो देखिए ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है और बस हम पहुंचने वाले हैं. हाँ जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं जगताप वाटरफॉल. ये देखिए, देखिए ये है जगताप वाटरफॉल. लेकिन एक्चुअली हम यहाँ आने के लिए नहीं आए हैं, ये रास्ते में पड़ा है और हमें पता चला कि यहाँ पे टिकट है 150 रुपीज पर पर्सन अडल्ट का. वाटरफॉल है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टेयर्स वगैरह थोड़ा मेंटेन करके रखा है इसलिए इसका टिकट कर दिया है 150. कैसे ये लोग खेतों में धान निकाल रहे हैं, निकालनी बो रहे हैं यार. आई थिंक सॉरी, ये लोग धान बो रहे हैं. ये धान जो है वो ऐसे पानी के अंदर बोया जाता है. देखिए कितनी मेहनत करते हैं हमारे किसान. और उसके बाद हमें खाने को मिलता है इतना अच्छा अन्न. तो प्लीज कभी भी अन्न की वेस्टेज, खाने की बर्बादी मत किया करिए बिल्कुल भी. बहुत मेहनत लगती है एक एक दाना उगाने में. बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर जगह जगह पर और लोगों को बस जगह चाहिए. देखिए जगह जगह पे लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, कहीं पे भी छोटा बड़ा जैसा भी वाटरफॉल मिल रहा है सब एंजॉय कर रहे हैं. क्या हुआ, आगे रास्ता बंद क्यों है? बहुत टाइम लग गया हमें यहाँ पहुँचने में. एक्चुअली बारिश भी हो रही थी, अंदर की रोड भी बहुत पतली है और इससे टाइम ज़्यादा लग गया. अभी 2:30 बज गया, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं. कब खत्म होगा, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है और चाय और पकौड़ों की बहुत तलब हो रही है. मन कर रहा है कहीं उतर के चाय पिए गर्मा गर्म और मस्त कुरकुरे करारे से पकौड़े खाए, है ना. व्यू दिखाती हूँ मैं आपको. वाओ, डैम है ना इधर राइट साइड, जगह जगह पे देखिए वाटरफॉल हो रहे हैं. 1 2 3 किधर डैम, ये हाँ ये देखिए साइड गांव है ना इधर. सच में गाइस बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, लग रहा है बिल्कुल जन्नत में आ गए हैं. एक बार जरूर आइएगा इस साइड में. ठोकरवाड़ी डैम आई डोंट नो कैसा होगा लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है. Thank you.
अच्छा लग रहा है, कितनी ग्रीनरी है। आती हूँ। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं, गाड़ी रोकी है, और हमने सोचा है कि इस नज़ारे का और गांव के माहौल का थोड़ा सा मजा लेते हैं। मेरा बेटा बस मम्मा आओ बोलता रहता है हमेशा। दो मिनट वेट कर ले, चल रहे हैं। हमें एक्चुअली उधर नहीं जाना है बेटा, पापा से पूछो किधर जाना है। आंसू पापा गो, ये लोग इधर जा रहे हैं, आई डोंट नो उधर किधर जा रहे हैं, लेकिन हम तो जस्ट यहाँ पे फोटो सेशन के लिए रुके हैं थोड़ी देर के लिए। कम भाई कम दक्षु, यहाँ के सारे खेत पानी से भरे हुए हैं। तो आई थिंक ना ये जो एरिया है ये धान की खेती इधर होती है, और मुझे लगता है कि इधर बारिश भी अच्छी खासी होती होगी। देखिए इसीलिए इतने सारे वाटरफॉल्स भी हैं इधर। 2 बजे पहुंचने का एक्सपेक्ट किया था हमने, 3 बज गए, हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, लेकिन रास्ता अच्छा बहुत है, इसलिए हमें कुछ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। वाव, पहुंच गए हम लोग ठोकरवाड़ी डैम, और अब लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है अंदर डैम में जाने का रास्ता किधर। ओ माय गॉड, यहाँ का जो मौसम है ना वो बहुत ही ज्यादा क्लाउडी है। वो देखिए आपको ऊपर बादल दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अंधेरा सा हो गया है और रात हो गई है, जबकि अभी दिन के 3 बजे हैं। तो सजेशन आपके लिए यही है कि अगर आप पुणे से यहाँ पे आ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग आइए, क्योंकि यहाँ पहुँचने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, और स्पेशली मानसून में तो थोड़ा जल्दी निकलिए, हमें लेट हो गया था आने में। तो जितना जल्दी आएंगे उतनी ज़्यादा देर तक इधर मज़े कर पाएंगे आप लोग। अब आई थिंक बस आई गए। वाओ, फाइनली हम पहुंचे हैं। हमारा तो था वैसे, हम जो घर से सोच के आए थे कि हम आएंगे ठोकरवाड़ी डैम, लेकिन हम वहां हमें कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, तो हम और आगे आ गए हैं, खांडी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमको जिस वाटरफॉल में जाना था वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर और आगे है। तो हमें रास्ते में ये एक वाटरफॉल और एक स्पेस दिखा जहाँ पे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, तो हम भी यहीं पे रुक के मस्ती करने लगे। और मुझे अभी पानी में भीगने का बिल्कुल मन नहीं है, गीले गीले गाड़ी में बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए दक्ष और उसके डैडी गए हैं और मैं अभी यहीं पर उनका वेट कर रही हूँ। भूख लग रही है, इधर होटल है, चाय नाश्ता कर सकते हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है जाने का, लेकिन सीरियसली बिल्कुल गीले होके ना गाड़ी में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अभी थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। आगे दूसरे वाटरफॉल में जाऊंगी मैं। देखिए अभी ऐसे पूरा पैक्ड हूँ मैं, रेनकोट पहना है मैंने क्योंकि बारिश भी हो रही है, इसलिए मैंने रेनकोट पहन लिया है। लोगों ने पानी में बहुत मजे कर लिए, और हमने चाय पकौड़े डोसे सब खा के अपनी पेट पूजा कर ली अच्छी तरीके से। और अभी आगे जाके उधर कोई वाटरफॉल है ऊपर जाके, तो वहां पे हम जाने की सोच रहे हैं। तो अभी हम लालवाड़ी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता है। काफ़ी सारे वाटरफॉल है, इनफैक्ट ये पूरा पहाड़ियाँ हैं, और उधर से बारिश के टाइम में ऊपर से वाटर गिरता है, तो उस सारे वाटरफॉल्स के अलग अलग नाम दे दिए हैं। लेकिन सीरियसली वीकेंड के लिए, वीकेंड में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप कोई भी वाटरफॉल में चले जाओ इन्जॉय करेंगे आप। बस ये होता है कि कुछ वाटरफॉल्स फेमस हो जाते हैं तो ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे गेट लगाया है, वो एक बाबा जी खड़े हैं, अंदर आने के वाटरफॉल तक जाने के 10 रुपीज़ पर पर्सन है। वैसे गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें कुछ नहीं लगाया है टिकट वगैरह, ये गांव के ही लोग हैं,
जो नेचुरल है चीजें, तो इसका कोई टैक्स वगैरह या कोई चार्जेस तो नहीं है, लेकिन ये गांव वालों ने खुद ही लगा के रखे हैं रुपए की 10 रुपीज, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे हस्बैंड की एक गंदी हरकत दिखाना चाहूंगी मैं आप लोगों को कैमरे में, उन्होंने टॉफी खाई और रैपर यहीं फेंक दिया। सो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, कहीं पे भी जाएं तो आप जो भी कूड़ा करकट फेंक रहे अपना कूड़ा अपने साथ रखिए अपने बैग में, और जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ पे डालिए। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि गांव वाले लेते हैं 10-20 रुपए, इट्स ओके, कोई बात नहीं अगर इससे उनका घर चलता है, हम हजारों रुपए ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये कभी आप आए हो तो उन्हें ये मत पूछिए 10 रुपए क्यों ले रहे हो, फलाना ढिमकाना। ओके, शाम के 6 बज गए हैं, ओ माई गॉड 6 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है, अरे पहुंचने में आराम से 3 घंटे लगेंगे। ओ मेरी चुन्नी फंस गई, इसको निकालती हूँ जरा सा, फंस गया था कांटे में, निकल गया अभी। वाटरफॉल देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वाव यार, रियली गाइस नेचर से ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है नेचर से ब्यूटीफुल। गॉड ने हमें इतनी ब्यूटी इतना ब्यूटीफुल ये दुनिया बना के दी है, और हम लोग उसे गंदा करने में कोई बहाना नहीं छोड़ते हैं, अपनी प्यारी सी दुनिया को गंदा करने का, कूड़ा करकट करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। आ हा हा हा, उपदेश बाद में दूंगी आपको, पहले आपको वाटरफॉल के नज़ारे दिखा देती हूँ। ये देखिए ला 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 ला, बहुत अच्छा लग रहा है। दक्ष है ना, अभी एक बार फिर से रेडी हो गए हैं पानी में जाने के लिए। अभी दक्ष जब गया था लास्ट टाइम से बहुत ठंड लग गई थी। अगर आप लोग छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं और इस टाइप की जगह में आ रहे हैं वाटरफॉल में, तो 2-3 पेयर कपड़ों के और एक चप्पल शूज जो भी है वो रखिए, अदरवाइज ज़्यादा देर तक अगर आप गीले कपड़ों में रहेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। हम लोगों ने दक्ष के लिए 2-3 पेयर रखे हैं कपड़ों के, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, वाव। तो ये दक्ष उतर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ, यहाँ से अच्छा दिख रहा है। ओह माय गॉड, तो खत्म होने वाला है ना। तो गाइस हमारी आज की जो आउटिंग थी वो आज बस फिनिश होगी, हम घर लौट रहे हैं, और काफ़ी अच्छा था आज का दिन, बहुत इंजॉय किया हमने, और आई होप आपको भी वीडियो देखने में उतना ही मज़ा आया होगा। तो दक्ष अभी थक के सो गया है, काफ़ी थक गया था वो, दो दो बार पानी में भीगा, और उसके बाद अभी बहुत टायर्ड हो गया था, सो गया था, सारे गीले कपड़े उसके पड़े हैं ये। और हम लोगों ने काफ़ी सारे 2-3 वाटरफॉल्स देखे, कवर किए। आप भी इस साइड आए तो जगताप वाटरफॉल है, और एक अभी हम जो गए थे लास्ट में, नाम भूल गए सॉरी उसका, आई मीन 3-4 वाटरफॉल है फेमस जो सब आस पास ही है 2-3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में, तो आप एक बार आएंगे इस साइड तो सारे के सारे कवर कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर रखिए अपने साथ, और आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो ये, तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी आपके लिए। और जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।